केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन की प्रशंसा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्मला सीतारमण को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान किसान, स्वसहायता समूह, विद्यार्थी, मजदूर, स्ट्रीट वेंडर सहित अनेक वर्गों को दिए गए लाभों की जानकारी दी। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार के प्रयासों पर अपनी प्रशंसा जाहिर की। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं में बेहतर परफॉर्म करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना में हम अग्रणी, देखा गया है कि बैंक कई प्रकरण निरस्त कर देती है, वे सिविल रेटिंग मांगते हैं, गरीबों के पास वो होती नहीं, इसलिए मैंने निवेदन किया है कि वो सिविल रेटिंग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सीतारमण ने सहमति व्यक्त की है, वो बैंकों से बात करेंगी। मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं की जिंदगी भी पटरी पर लौट आए, इसके लिए 10,000 रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं, इसमें भी केंद्र ने सहयोग की बात कही है। शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कहा है कि कुछ सुधार अगर राज्य करेंगे तो उनको अतिरिक्त बोरिंग लिमिट मिल जाएगी। अभी GDP का 3% ऋण राज्य ले सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे बड़े काम जो 31 मार्च 2021 तक पूरे किया जा सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्र सरकार ने जो राशि तय की थी उसमें मध्य प्रदेश को 1600 में से 660 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, उसमें से 330 करोड़ रुपए हमको मिल गए थे। 330 करोड़ रुपए और रिलीज करने का मैंने आग्रह किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि 660 करोड़ रुपए और अतिरिक्त मध्य प्रदेश को देने का फैसला किया गया है। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट करने आया था। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना में हम नंबर 1 नंबर 2 पर ही लगातार रहे हैं। कुछ दिक्कत थी बैंक जिसके कारण प्रकरण निरस्त कर देते हैं, उनमें से एक दिक्कत ये थी कि सिविल रेटिंग मांगते हैं तो गरीब के पास वो रेटिंग वेटिंग होती नहीं, लोन कितना वापस कर सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर वगैरह। तो मैंने निवेदन किया कि वो सिविल रेटिंग स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं होनी चाहिए। मैडम ने उसके लिए सहमति व्यक्त की है, वो बैंकों से बात करेगी। और पीएम स्वनिधि योजना के, और मध्य प्रदेश में एक और योजना बनाई हमने, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, जो कस्बों के स्ट्रीट वेंडर है उनकी भी जिंदगी पटरी पे आ पाए, इसके लिए 10,000 रुपये का ब्याज फ्री लोन दिया। उसमें भी मैडम ने कहा है कि पूरा सहयोग करेंगे। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कुछ सुधार अगर राज्य करेंगे तो उनको अतिरिक्त बोरोइंग लिमिट मिल जाएगी। अभी GDP का 3% राज्य ऋण ले सकता है, लेकिन 4 सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए थे। हर एक सुधार पे 0.25% और GDP का लोन बोरो करने का अधिकार या स्वीकृति राज्य को मिलेगी। हमने 3 पूरी तरह से कर लिए मध्य प्रदेश, तो हमारे 3 सुधार पूरे हुए। उसके बदले में हमको 0.75% अतिरिक्त बोरो करने की अनुमति अभी भारत सरकार ने हमने दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।